हेलो फ्रेंड्स, मैं मालती सराफ। आइए मालती किचन में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बटर गार्लिक राइस, तो जिसे आप चाइनीज, इटालियन, इंडियन सब चीज के साथ में खा सकते हो उस राइस को। और राइस बहुत जल्दी बनता है, खाली हमें एक तड़का ही बनाना है थोड़ा सा इसके। देखिए आप बताती हूँ मैं कैसे। बहुत ईजी है, बहुत टेस्टी है और बहुत जल्दी बनता है, बच्चे बहुत प्यार से खाएंगे। तो देखिए इसका प्रिपरेशन करते हैं हम लोग। देखिए मैं बहुत थोड़ा सा इसमें 1 टीस्पून करीब ऑयल लिया मैंने इसके अंदर, और मैं इसके अंदर ये बटर डाल रही हूँ अभी 1 टीस्पून के करीब। ये मैंने अमूल का गार्लिक एंड हर्ब्स बटर आता है, ये वाला पैकेट देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये वाला पैकेट मैंने ये डाला है 1 टीस्पून, और बटर अच्छे से मेल्ट होना चाहिए। ये देखिए बटर अच्छा मेल्ट हो गया है। मैं इसमें ये 1/2 इंच जिंजर लिया है और एक ग्रीन चिली ली है। अगर आप बच्चे ग्रीन चिली नहीं खाते तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, और अगर आपको पसंद है तो आप डाल भी सकते हो। ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है अभी। जिंजर को चिली का हम कच्चापन थोड़ा निकाल लेंगे। ये देखिए ये मैं इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें मालती किचन का फेवरेट हरा धनिया ये हम अभी डाल देंगे इसको, और ये थोड़ी फ्रेश बेसिल लीव्स ली है ये थोड़ी डाल देंगे इसके अंदर हम। आप धनिया डाल सकते हो ज़्यादा, थोड़ा आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हो अगर बेसिल नहीं है आपके पास तो, पर बहुत अच्छा लगता है ये डालने से। और देखिए मैं इसके अंदर अभी थोड़ा सा मैं इसके अंदर सोया सॉस डाल रही हूँ करीबन 1/2 टीस्पून के करीब, हल्का सा, और थोड़ा सा विनेगर, बहुत हल्का सा विनेगर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब। और ये मैंने इसमें राइस लिए है, ये देखिए आप, ये राइस इसमें मिक्स कर दूंगी अभी, गैस का फ्लेम स्लो कर दूंगी। गाइस राइस को हमने 70 से 80% ही कुक किया है, पूरा 100% कुक नहीं करने का है। और अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, अभी तक हमने सॉल्ट नहीं डाला है, सॉल्ट हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस भी डाली है, और इसे अच्छा मिक्स कर लेंगे एकदम बढ़िया। ये देखिए आप, अभी हम इस पर तड़का देंगे गार्लिक को बंद करके, क्योंकि ये बटर गार्लिक राइस है तो इसमें गार्लिक ऊपर से डालिएगा। गार्लिक वैसे भी गार्लिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसे हम सब चीज़ में तो गार्लिक खाते नहीं हैं। और आप ऐसा बनाओ कि आप इसे कोई भी चीज़ के साथ में खा सकते हो, आप इसे पास्ता के साथ खाइए, आप इसे वाइट क्रीमी सब्जी जो मैंने आपको दी है लिंक रेसिपी उसके साथ खाइए, आप उसको दाल के साथ खाइए, ऐसा कुछ नहीं है कोई सब्जी के साथ खाइए, ये ऑल पर्पस, ये आप किसी की भी चीज़ के साथ में राइस खा सकते हो। ये देखिए, तो अभी अब राइस को हम इसमें मसाला डालेंगे थोड़ा हल्का सा। ये मैंने इसमें थोड़ी सी इसमें पिज़्ज़ा इटालियन सीजलिंग ली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी। ये देखिए थोड़ा सा, ये मैं इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है, और थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजलिंग डाली है मैंने, ये वाली पिज़्ज़ा सीजलिंग डाली है आप देख सकते हो केया की। ये देखिए चलिए इसका भी तड़का बनाते हैं हम। ये देखिए ये तड़के के अंदर मैं ये बटर डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब, ये देख सकते हो आप, क्योंकि हम ये बटर गार्लिक राइस बना रहे हैं तो इसमें बटर अच्छे से 2 टीस्पून डालिएगा तो टेस्ट बच्चों को बहुत अच्छा आएगा। और क्वांटिटी भी चावल की मेरी है 3 से 4 कप चावल है, तो वंस अ वीक या ऐसे फिर बनाओ तो आप चल जाता है। ये देखिए मैंने बटर के अंदर गार्लिक डाला है, 4 से 5 मैंने फाक इसमें गार्लिक डाली है बारीक करके एकदम, और गार्लिक को थोड़ा सा हम लाल कर लेंगे हल्का सा। ये देखिए गार्लिक को हमने अच्छा लाल कर लिया है, ये मैं ऊपर से अभी डाल दूंगी। ये देखिए राइस के अंदर, और ये मैं इसमें हरा धनिया और डाल रही हूँ, पूरा हैंडफुल एक हरा धनिया, थोड़ा सा गार्निशिंग में रखेंगे हम। ये देख सकते हो आप ये बटर गार्लिक राइस, ये इतना टेस्टी लगता है, ट्रस्ट मी आप जरूर से बनाइएगा। ये देखिए इसे हम बॉल में सर्व करते हैं, अभी हमारा रेडी भी है ये। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बटर गार्लिक राइस की, ये जरूर से बनाइएगा। आप कोई भी चीज़ के साथ में इसे खा सकते हो, आप इसे ऐसे प्लेन भी खा सकते हो, इटालियन, मैक्सिकन, दाल, चाइनीज, कोई भी ग्रेवी, कुछ मंचूरियन, पनीर चिली, 9 प्लेनेट, कोई भी चीज़ के साथ में खाइए आप, बहुत अच्छे लगते हैं राइस, ये बटर गार्लिक राइस। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी कमेंट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सब में मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी डिश के साथ में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।